मथुरा के थाना हाईवे इलाके के बसंत कुंज कॉलोनी में एक 40 वर्षीय महिला की हत्या का पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाशों ने महिला कमलेश की गला दबाकर हत्या की थी। थाना हाईवे इलाके के वसंत कुंज कॉलोनी में 8 दिन पूर्व घर में 40 वर्ष की महिला कमलेश की हत्या कर दी गई थी। मथुरा पुलिस द्वारा इस मामले की गहराई से छानबीन के बाद यह तथ्य सामने आया कि मृत महिला की हत्या नामजद लोगों द्वारा नहीं बल्कि विधवा कमलेश के साथ बेलदारी का काम करने वाले एक युवक ने अपने 2 अन्य साथियों के सहयोग से गला दबाकर उसकी हत्या की थी और उसके गले के टिप्स अन्य सामान लूटकर ले गए थे। एमपी सिंह का कहना है कि 8 दिन पूर्व हुई एक महिला की हत्या का पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनका कहना है कि इस हत्याकांड की बड़ी बारीकी से छानबीन कर पुलिस ने नामजद दर्ज किए गए 3 लोगों को निर्दोष पाया है। वहीं हत्या में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से लूटा गया सामान भी बरामद किया है। सर आज क्या सफलता प्राप्त हुई? दिनांक 9 को थाना हाईवे में एक महिला की डेड बॉडी अपने घर में मिली थी, जिसके संबंध में उसकी बेटी द्वारा अपने ही 3 रिलेटिव के खिलाफ नामजद FIR कराया गया था। पुलिस की जांच से जो नामजद अभियुक्त बनाए गए थे उनकी नामजदगी गलत पाई गई और जांच में 3 अन्य अभियुक्तों को पुलिस ने आज गिरफ्तार करने में सफलता पाई है, जिसमें सिया की पुरानी क्रिमिनल हिस्ट्री है, ये पूर्व में भी जेल जा चुका है। इसमें उस दिन रात में 11 बजे ये पहले से महिला से परिचित था और साथ काम किया था और एक दिन उनके घर में भी इसने मजदूरी की थी। केवल लूट के इरादे से इसने उनके गले में चेन देखी थी जिस दिन काम किया था। लूट के इरादे से ये घर में गया और जब इसने लूटने का प्रयास किया तो महिला ने विरोध किया और उस विरोध पे उसने इनका गला उन्हीं की साड़ी से गला घोंट के हत्या कर दी, जिसमें चेन, कान के टप्स और नाक की कील उसने लूट लिया था। इस संबंध में जब सिया की और इनके 2 और अन्य साथियों की गिरफ्तारी की गई तो इनके सारे लूट के सामान बरामद हुए। इनके पास से एक अवैध असलाह भी बरामद हुआ और इनको आज पुलिस जेल भेज रही है। क्या लोग गिरफ्तार हुए? कुल 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई, 3 की संलिप्तता पाई गई। पहले भी कोई मामले दर्ज है सर? इसमें सिया के खिलाफ पूर्व में भी हत्या की और NDPS एक्ट में वो जेल जा चुका है। अभी लास्ट फरवरी में ये जेल से छूटे हैं। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ अब भारत।